हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर लवकेश मित्तल, आई एम चीफ कंसल्टेंट ENT हेड एंड नेक सर्जरी एट हीलिंग हॉस्पिटल। टुडे आई एम हेयर फॉर अ शॉर्ट टॉक ऑन टॉन्सिलाइटिस एंड एडिनॉइड्स ट्रीटमेंट, ऑल इट्स साइंस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड क्योर। सो क्या होते हैं टॉन्सिल्स? टॉन्सिल्स अक्सर हमारे गले में हमको प्रिवेंट करने के लिए एक ऑर्गन है जो हमारे इन्फेक्शंस को बचाने के लिए गॉड ने हमको दिए हैं। तो अक्सर बार बार रिपीटेड इन्फेक्शन से वो खुद स्वॉलन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। एवरीथिंग विच अटैच्ड आइटिस इन आर बॉडी इज इन्फ्लामेशन ऑफ दैट पार्ट। सो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है अपने बच्चे में, वो सबसे पहले आप अपने बच्चे में देखिए। पहला है कि क्या बच्चा बार बार बीमार हो रहा है? 3 से 4 बार से ज़्यादा अगर बच्चा बीमार हो रहा है एक साल में, तो आप ज़रूर हमसे मिलिए। दूसरा पॉइंट, क्या बच्चे के मुँह से स्मेल आती है? आपने डेंटल को दिखा लिया, आपने अपना ब्रश करवा के दिखा लिया, फिर भी बच्चा बैड माउथ ब्रेथ कर रहा है, तो ज़रूर हमसे मिलिए। थर्ड इज़ माउथ ब्रीदिंग, मुंह खोल के सांस लेना। बच्चों में अक्सर ये बहुत कॉमन कंप्लेंट होती है जो पता ही नहीं होती पेरेंट्स को, इट्स नॉट देयर फॉल्ट एक्चुअली, बट यू हैव टू चेक इट कि कोई ड्रूलिंग तो नहीं हो रही है, रात को थूक तो नहीं निकल रहा है मुँह से, या बच्चा बार बार पानी तो नहीं मांग रहा है, या फिर कोई रात को सोते हुए छोटी मोटी आवाज़ करना। बच्चे के छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जो आपको ग्रिप करने पड़ते हैं। फिर चौथा है टीथ ग्राइंडिंग, रात को बच्चे टीथ ग्राइंडिंग करते हैं या फिर टॉयलेट कर देते हैं प्रेशर के कारण रात को, उनको बच्चों को कई बार एडिनॉइड्स और टॉन्सिल्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे बच्चों को अगर बाकी डॉक्टर्स अगर क्लियर कर देते हैं तो उनको श्योरली एक ENT ओपिनियन मस्ट होता है। और कई बार इसमें सुनने की भी दिक्कत आती है, बच्चा बोलता है कान में बहुत खुजली हो रही है, कान खुजाता रहता है और हैवीनेस है, तो वो बता नहीं सकता उस चीज़ को, आप आवाज़ लगाते हो हल्के से, वो सुनता नहीं है। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। अब बच्चों का हियरिंग टेस्ट करना भी बहुत मुश्किल है, तो आपको ये सब कुछ सेल्फ एनालिसिस करना होता है कि ये बच्चा थोड़ा सा ENT की तरफ जा रहा है, हम एक बार ENT चेकअप कराएं। तो हम आप यहाँ आएंगे तो हम आपका क्या करेंगे, हम आप बच्चे का एक बार गला चेक करते हैं, गला चेक करके जीभ को नीचे करके एक बार टॉन्सिल्स का ग्रेड देखते हैं, एक एक्सरे करवाते हैं जिसमें हमें नेजोफेरिंग्स में एडिनोइड्स का ग्रेड पता चलता है, तो इतना सफिशिएंट होता है कि हमें उस डिजीज़ के बारे में पता चल जाए। और अगर ज़्यादा दिक्कत होती है, सुनने की दिक्कत होती है, तो कानों का टेस्ट भी किया जा सकता है। अब आप इसको कैसे बचा सकते हो फ्रॉम दी डे वन ऑफ दी बेबी? तो हम अपने पेरेंट्स को, या आप सेल्फ अपने आप पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने आप को रिकमेंड करते हैं कि बच्चे को मदर के साथ बिठा के या फादर के साथ बिठा के स्टीम दी जाए। डेट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, डेट इज़ एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अगर आप करेंगे तो श्योरली आई गारंटी यू कि आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो लोग ये नहीं कर सकते तो फिर उनके लिए एटलीस्ट आप एक ENT डॉक्टर को मिलिए, एक्सरेज कराइए, बीमारी से भागिए मत। अब काफ़ी लोगों का होता है कि इसमें ऑपरेशन सक्सेसफुल है नहीं है। ऑपरेशन की कॉल हमेशा एक डॉक्टर के द्वारा ली जाती है, और कम से कम एज पर माय रिकमेंडेशन कम से कम 3 से 4 स्लिप्स मिनिमम रिकमेंडेड होती हैं कि आपने डॉक्टर्स के साथ मिला, उनके साथ समझा कि कितने दिमाग बीमारी ठीक हो रही है नहीं हो रही है, तभी हम सर्जरी की कॉल लेते हैं। और आजकल वी आर डूइंग कॉबलेशन ब्लडलेस सर्जरीज, ये वीडियो भी आपको इसमें दिखेगी, जिसमें कोई भी प्रकार की कोई भी ब्लीडिंग नहीं होती है। डे केयर सर्जरीज हो गई हैं जो बच्चा सुबह आके शाम को चाह सकता है, फिर भी प्रिवेंशन के लिए हम एक दिन रखना पसंद करते हैं। सेम डे ही रिजल्ट्स आने लग जाते हैं, बच्चा जो बच्चा नाक से सांस नहीं लेता वो नाक से सांस लेना शुरू कर देता है, जो बच्चों को बैड ब्रेथ होती है उनकी बैड ब्रेथ सेम डे से ही ख़त्म हो जाती है, रात को जो ग्राइंडिंग ऑफ टीथ होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब रही कितना ड्यूरेशन है, कैसे करना होता है ये सब कुछ, कितना इसका खर्चा है, तो ड्यूरेशन जनरली अगर हम प्लान करते हैं किसी को 3 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक बड़े आराम से ये सर्जरीज हम कर सकते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट्स इसमें मिलते हैं। अब रही बात कि कितने दिनों में रिकवरी होती है, अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होता है कि इसका कोई सिबलिंग है? तो अक्सर भाई बहन जिनके होते हैं तो 2 या 3 दिन में वो आपस में लड़ झगड़ कर एकदम से ठीक हो जाते हैं, और अगर किसी का सिबलिंग नहीं है तो 7 डेज मिनिमम मान के चलिए, 10 डेज भी हो सकता है अगर बच्चा टेंट्रम करता है। अब रही बात कि क्या हम स्कूल जा सकते हैं, कितने दिन की स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो जनरली ये सर्जरी छुट्टियों में ही करवाई जाती है, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी सिस्टम आ जाता है तो हम अक्सर 2 to 3 वीक्स की लीव के लिए
हम लिख कर दे सकते हैं कि स्कूल उसको रिकमेंड कर दे। अब कई लोग बोलते हैं कि ब्लीडिंग तो नहीं होगी, तो आपने वीडियोस में देख ही लिया है हमारी सर्जरीज की कि कोई ब्लीडिंग नहीं है, बिल्कुल वी आर हेयर फुली इक्विप्ड विद आईसीयू सेटअप्स आल्सो एंड वी आर 50 प्लस बेडेड हॉस्पिटल, वेरी गुड टीम ऑफ एनेस्थीजिया एंड वेरी गुड टीम ऑफ डॉक्टर। सो यू डोंट हैव टू गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग रिगार्डिंग द सर्जरी ऑफ योर चाइल्ड। हम ये बात समझते हैं कि बच्चे का एक ऑपरेशन मेन एंग्जाइटी यही रहती है कि क्या हम बच्चे को नहीं खो देंगे। नहीं, ऐसा कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक है। और आप निश्चिंत होकर हमारे पास आइए ब्लडलेस कॉबलेशन सर्जरीज के लिए। कोई भी आपको डाउट है आप हमको ओपीडी में मिलिए एंड यू कैन कनेक्ट टू आवर कोऑर्डिनेटर एंड द नंबर्स विल बी गिवन बिलो। थैंक यू।